हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं गया हुआ था बाहर और इस कारण से मैंने कोई भी अपडेट नहीं दे पाया हूं। तो आज से हम फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं और 30 सेकेंड के अंदर उसे ख़त्म करते हैं और उसके बाद अगर आप उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो क्या वो मोनिटाइज होगी, अगर मोनिटाइज हुई भी तो क्या उस पर अर्निंग स्टार्ट होगी, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप बात की जाए कि यूट्यूब पर अगर हम 30 सेकंड से कम का वीडियो कोई भी किसी दूसरे का अपलोड करते हैं तो क्या चैनल मोनेटाइज होता है, तो बिल्कुल ना, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इस पर हमारा मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है। ये रही मोनेटाइजेशन की बात कि अगर आप 30 सेकंड से कम का वीडियो किसी और का भी अपलोड करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। रही बात यूट्यूब पॉलिसी की, तो यूट्यूब पॉलिसी में भी ये कहा गया कि अगर आप 30 सेकंड से अंदर किसी भी कॉन्टेंट को यूज़ करते हैं तो आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो नहीं आएगा। तो अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। चलिए, ये पहली बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ कि इससे पहले मैंने, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस मेरे देखे हैं जिसपे मैंने ये बताया था कि अगर आप कुछ सेकंड भी अगर वीडियो का लेते हैं किसी दूसरे का कॉन्टेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन, जो चैनल का मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होता है तो आपका जो YouTube चैनल है वो रीयूज्ड कंटेंट के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के बात कही जाए कि अगर आप TikTok की वीडियो बनाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है, यानी कि आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन है, आप 30 सेकंड से अंदर वीडियो ख़त्म करके अपलोड कर रहे हैं, TikTok की जो भी वीडियो है सारी आप जो अपलोड कर रहे हैं, आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन है। तो लेकिन अगर आपका जो YouTube पॉलिसी देखी जाए कि आप 30 सेकंड से अंदर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो जिसके ज़रिए से आपका मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर एक दूसरी पॉलिसी देखी जाए कि आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन ऑन रखने की अनुमति नहीं दी जाती, वहाँ से आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ही अगर आप ये सोचकर YouTube पर काम करेंगे यार मैं तो TikTok वीडियो बनूंगा, या आपके कोई भी फनी वीडियो है वो 30 सेकंड के अंदर है जिसमें आपका वीडियो तो सही है लेकिन उसमें ऑडियो कंटेंट किसी का मिक्स किया हुआ है, तो आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। कारण ये है कि YouTube ने कुछ ऐसी पॉलिसीज रखी है जहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन ऑन तो रह सकता है लेकिन दूसरी कुछ ऐसी पॉलिसी है जैसे कि रीयूज्ड कंटेंट, जिसके अंतर्गत किसी भी वीडियो ऑडियो को अगर आप अपने वीडियो में सम्मिलित करते हैं तो उससे आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर आप TikTok वीडियो ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, आप एंटरटेनिंग करने के लिए लोगों को बनाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका चैनल का मोनेटाइजेशन तो ऑन हो जाएगा लेकिन रीयूज्ड कंटेंट लाने के अंतर्गत आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल भी कर दिया जाता है। ये कार्रवाई होती है 1 से 1.5 महीने के अंदर। अगर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो चैनल है उसका रिव्यू जाता है यूट्यूब के पास, वहाँ पर वो लोग कुछ हेड होते हैं जो कि क्रिएटर्स की पूरी जानकारी रखते हैं, वहाँ पर आपकी सारी जानकारी ली जाती है, आपके चैनल की समीक्षा की जाती है, आपके चैनल को चेक किया जाता है, जहाँ पर आपका चैनल रीयूज्ड कंटेंट के अंतर्गत आ जाता है जिसके जरिए से आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए अगर आप अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए उससे, तो अगर बाई चांस ऑन हो भी गया तो रीयूज कंटेंट के अंतर्गत उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये बात ध्यान में रखकर आप यूट्यूब पर काम कीजिए जिससे कि आपको आगे भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो इस तरीके की गलती करने की कोशिश ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।